प्रोजेक्ट के। जी हाँ दोस्तों, प्रभास, अमिताभ बच्चन, दीपिका पादुकोण, दिशा पाटनी और बहुत बड़े बड़े एक्टर्स इस फिल्म में हमें देखने के लिए मिलने वाले हैं। और इस फिल्म की हर चीज़ इतनी ज़्यादा बड़ी होने वाली है, इतना ज़्यादा धमाल मचाने वाली फिल्म कि मैं आपको आगे बताने वाला हूँ कि क्या क्या अपडेट मैं आपके लिए लेके आया हूँ। बट उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन कर दीजिए प्रेस, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करके जाइएगा और कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा कि आप प्रोजेक्ट के को किस तरह से देखते हैं, मतलब क्या लगता है कि प्रोजेक्ट के कितना बड़ा एक फिल्म होने वाला है, कितना बड़ी मतलब धमाकेदार एक फिल्म होने वाली है, उस चीज़ को आप कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा। और क्या आप कौन से हीरो के या फिर कौन से एक्टर या एक्ट्रेस को इस फिल्म में देखने के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड है, चलिए बताते हैं इसके कुछ अपडेट्स के बारे में। तो दोस्तों काफ़ी टाइम से ऐसे कोई अपडेट्स इस फिल्म के निकल के नहीं आ रही थी, क्योंकि जो इसकी शूटिंग का शेड्यूल था वो एक कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद ये जो थी अभी कोई शूटिंग वूटिंग नहीं चल रही थी। बट दोस्तों अभी हाल ही में इसकी जो शूटिंग है का सेकंड शेड्यूल जो है वह स्टार्ट कर दिया गया है, और इस शेड्यूल में जो अपडेट निकल के आई हैं वह कमाल कमाल की अपडेट है। जो पहली अपडेट है उसके बारे में बात करते हैं, तो देखो जो इसका सेकंड का शेड्यूल स्टार्ट हुआ है, मतलब इस शूटिंग का, उसमें ऐसा कहा जा रहा है कि यह शेड्यूल लगभग एक महीने का होने वाला है, नहीं तो अप्रॉक्सीमेटली अगर हम दिन की बात करें तो 30 से 35 दिन का ये शेड्यूल होने वाला है, मतलब 30 से 35 दिन लगातार शूटिंग चलने वाली है, जो कि बहुत ही ज़्यादा गजब की शूटिंग होने वाली है। और ऐसा कहा जा रहा है कि इसमें जो है फाइटिंग सीन इसमें भी शूट किए जाने वाले हैं, पूरी फिल्म में ही एक्शन हमें ज्यादा देखने के लिए मिलेगा, इसलिए जो ये एक डेढ़ महीने का शूट है ना, इस पे भी हमें एक बहुत ही ज्यादा जबरदस्त फाइटिंग जो एक्शन सीन है वह शूट होते नजर आने वाला। और ऐसा कहा जा रहा है अमिताभ बच्चन, प्रभास, दीपिका, दिशा सबके सब हमें इसमें देखने के लिए मिलने वाले हैं। और एक जो मेजर दूसरी और अपडेट निकल के सामने आई है वह अपडेट यह है कि जो सूर्या सर का इसमें कैमियो होने वाला है, पति का इसमें जो कैमियो होने वाला है, और महेश बाबू का जो कैमियो होने वाला है इस फिल्म में, वह भी इसी महीने शूट किया जाएगा। अब ऐसी अपडेट जो है बहुत ही ज़्यादा ऑफिशियल निकल के नहीं आई है, बट ये चीज़ें निकल के क्लियर हो रही हैं कि जो कैमियो रोल होने वाले हैं, आप अगर जाके गूगल पे सर्च करेंगे तो स्टारकास्ट में इन सारे लोगों का नाम आ रहा है, और इनफैक्ट समंथा का भी नाम आ रहा है, बहुत सारे एक्टर्स जो हैं उनका नाम हमें स्टारकास्ट में दिखाया जा रहा है। तो ऐसा कहा जा रहा है कि अभी जो मेन तीन सीक्वल है, मतलब इनका जो कैमियो होने वाला है, सूर्या सर का, विपति सर का और महेश बाबू का, इन सब का कैमियो का जो शूटिंग होने वाली है वह इसी 30 दिन के अंदर होने वाली है, मतलब इसी शेड्यूल में होने वाली है, और बाकी की जो शूटिंग होगी उसके बाद एक अलग शेड्यूल बनेगा और शूटिंग वूटिंग होती रहेगी, और काफ़ी लंबा भी इसका अभी प्रोसेस चल रहा है। जो कही जा रही है हमें कि सितंबर में 2022 में देखने के लिए 23 में देखने के लिए मिलेगी, वह नहीं मिलने वाली है यार। देखो अगर रिलीज डेट के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ तो ऐसा आप मान के चलो कि यह फिल्म जो है आपको 2023 के लास्ट दिसंबर में, या फिर अगर और पोस्टपोन होती है तो 2024 के जनवरी के महीने में आपको देखने के लिए मिलने वाली है। दिसंबर के पहले 2023 में नहीं मिलेगी किसी भी हाल में, क्योंकि यार ये बहुत बड़ी फिल्म है, इसका बजट बहुत बड़ा है, इसमें एक्टर्स बहुत बड़े हैं, और तो काम भी इसके बहुत बड़े बड़े होने वाले हैं, इसलिए मेरे को लगता है इस फिल्म को डिले होते ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, और ये डिले होगी अपनी डेट से और कहीं जाके 2023 के लास्ट में या फिर 2024 के स्टार्टिंग के महीने यानी जनवरी में आपको देखने के लिए मिलेगी। तो दोस्तों अपडेट कैसी लगी इस चीज़ को कमेंट में मेंशन करिए, दोस्तों ऐसी अपडेट आती रहेंगी तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।